नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, डीएवी मॉयल पब्लिक स्कूल हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं आपकी कक्षा पाँचवीं में हिंदी के भाषा माधुरी पाठ्य पुस्तक से पाठ आठ टपके कडर के तीसरे भाग पढ़ाने जा रहा हूँ। इस भाग में मैं आपको पाठ में आए जो प्रश्न हैं उनके उत्तर के बारे में बताऊंगा कि आपको कैसे लिखना है। आइए देखते हैं टपके का डर भाग तीन। पूर्व वीडियो में मैंने कहानी को बताया था कि किस प्रकार से बरसात के दिन में बुढ़िया अपने पोते को लेकर सोए रहती है, अचानक बहुत बारिश होती है बरसात के दिन में, उनका घर टपकने लगता है और छोटा पोता बोलते हैं कि क्या आपको डर नहीं लगती, डरने लगता है। बुढ़िया कहती है कि मुझको तो सिर्फ टपके का डर है और किसी से डर नहीं लगती। आंधी तूफान में जंगल से भागता हुआ शेर आया रहता है, जब इन बातों को सुनता है कि टपके से डरते हैं लोग मुझसे नहीं, तो वह डर के मारे जंगल की ओर भागने लगते हैं और रास्ते में उनको एक टूटी फूटी झोपड़ी मिलती है, उनमें वह छुप जाता है। उसी समय जो कुम्हार है उनका गधा भी खो जाया रहता है, तो वह खोजते खोजते रामू के पास आता है, पंडित जी के पास जाते हैं, खोजते हुए उसी टूटी झोपड़ी में पहुंच जाते हैं जहां पे शेर होता है, और शेर को गधा समझकर वह उन्हें पकड़ लाता है और अपने आंगन में रस्सी में बांध दिए रहते हैं खंभे के साथ। तो इस प्रकार से ये बरसात के दिनों में जो बुढ़िया कहानी सुनाती है और शेर का डर जाना होता है, उसको मैंने दोनों वीडियो में अच्छे से आपको बताया था। आइए देखते हैं पाठ के प्रश्नों को। प्रश्न क्रमांक एक, उसका सबसे छोटा पोता उसके पास ही सोता था और सोते समय दादी से कहानियाँ सुना, तो दादी के पास कौन सोता था? तो दादी के पास छोटा पोता सोता था, यहाँ पे जैसा दिख रहा है आपको। दादी पोते को कौन सी कहानियाँ सुनाती थी? तो दादी पोते को राजा रानी और सुंदर परियों की कहानी सुनाती थी। आपको बच्चों ये पूरे प्रश्न, तीनों प्रश्न के उत्तर पूरे वाक्य में लिखना है। मैं आपको संकेत के लिए छोटे और कम शब्दों में लिखकर बताने का प्रयास किया हूँ। आपको कहानियाँ कौन सुनाता है? तो दादाजी, दादी जी, माता जी, नाना नानी जी और आपके बड़े भाई या बड़ी दीदी भी कहानी सुनाते होंगे। तो आप कोई भी जो आपको कहानी सुनाते हैं उनको लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक दो, यह टपका क्या मुझसे भी ज़्यादा बलवान है? जो बुढ़िया मुझसे नहीं डरती, टपके से डरती है, ऐसा तो शेर ने ही कहा था। तो इस कहानी में टपका कौन है? तो टपका तो बुढ़िया ने जैसा बताया था बारिश की बूंद है टपका। टपके से सबसे ज़्यादा कौन डरता था? तो टपके से सबसे ज़्यादा कौन डरता था? शेर डरता था, तभी तो वह टूटी फूटी एक झोपड़ी में जाके छुप गया। तीसरा प्रश्न देखें, कुम्हार इस झोपड़ी के पास जैसे ही आया, शेर ने करवट बदली तो कुछ तिनकों पत्तों की आवाज हुई। अब इस आधार पर प्रश्न तैयार किया गया है, कुम्हार गधे को, गधे की जो तलाश है वह किसके पास आया? तो झोपड़ी के पास आया, झोपड़ी के पास आया, यहाँ पर जैसे लिखा है। कुम्हार ने तिनकों पत्तों की जो आवाज़ है उनको सुना, फिर किसे दो डंडे जड़ दिए और क्यों? तो तिनके पत्ते की आवाज़ सुनकर शेर को अपना गधा समझकर दो डंडे जड़ दिए कुम्हार ने। चौथा प्रश्न, शेर किस कारण चुपचाप उठकर कुम्हार के साथ चल दिया? इसमें आपको तीन विकल्प दिए हैं, इसमें से कौन सा सही है आपको बताना है। तो उसे कुम्हार के साथ जाना अच्छा लगा, टपके के डर के मारे जाने लगा, शेर गांव देखना चाहता था। आपको तो उत्तर पता ही चल गया होगा कि कौन सा है, तो टपके के डर के मारे वह जाना चाहता था, टपके के डर के मारे वह चला गया, उसे कुम्हार के साथ जाना अच्छा लगा ये तो गलत है, शेर गांव देखना चाहता था ये भी गलत है, टपके से डरा हुआ था इस कारण कुम्हार के साथ वह उठकर चुपचाप चल दिया। इस प्रकार इसका उत्तर हुआ, टपके के डर के मारे चला गया।
ये तो हुए प्रश्न अभ्यास, अब आपको करने हैं क्रियाकलाप। बारिश आपको अच्छी लगती है ना? बारिश के दिनों में खेल खेलना भी अच्छा लगता है, तो आपको एक हम क्रियाकलाप दे रहे हैं जैसा चित्र में दिख रहा है। देखिए क्या करना है। बारिश का पानी मछलियों को बहुत अच्छा लगता है, तो आइए मछलियाँ बनाते हैं। अब इसके बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? आपके घर में ही उपलब्ध सामग्रियों का प्रयोग करेंगे आप। रंगीन क्राफ्ट पेपर होंगे, या तो अपनी जो अभ्यास पुस्तिका होंगे उनके बचे हुए जो पेपर होंगे, कलर होंगे आपके पास, ग्लू होंगे चिपकाने के लिए, उनका उपयोग करेंगे। अब इसको कैसे करेंगे? रंगी क्राफ्ट पेपर को या सफ़ेद क्राफ्ट पेपर को आप रंग सकते हैं। पेपर को छोटे बड़े चौकोर साइज में आपको काटना है, जैसा कि चित्र में दिख रहा है। फिर दोनों कोनों पर से मोड़ कर उसे तिकोना बना लेना है। इधर दोनों कोनों को मोड़ कर तीन त्रिकोना त्रिभुज आकार में बना लेंगे। उल्टी तरफ से दोनों को पकड़ कर तिरछा मोड़ कर चिपका लेना है, ये जैसा कि दिख रहा है। फिर आगे की तरफ आंखें बना देना है। यहाँ पर बन गई हमारी मछली। तो ऐसा आप भी सुंदर से क्रियाकलाप कर सकते हैं। आप तो इससे भी सुंदर बना सकते हैं। मछली के कलर हैं, उनको अलग अलग कलर या रंग अलग कलर भी दे सकते हैं। तो इस आधार पर आप एक छोटी सी क्रियाकलाप घर में करेंगे, या ऐसे चित्र बना के आप अपनी अभ्यास पुस्तिका या प्रायोजना पुस्तिका में भी लगा सकते हैं। आशा करता हूँ कि जो प्रश्न उत्तर थे वो आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा पाठ के आधार पे। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में अगले विषय के साथ पुनः मिलेंगे। तब तक आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने अभ्यास कार्य पूर्ण करते रहिए।